अजीब न्याय। एक दिन बीरबल और बादशाह अकबर साप्ताहिक बाजार में सैर के लिए निकले थे। वहाँ उन्हें बहुत सारे विक्रेता अलग अलग चीजें बेचते हुए दिखे, जैसे कि गहने, कपड़े, चाट, नमकीन, मिठाइयाँ इत्यादि। ये सब देख उन दोनों का मन खुशी से चहक रहा था, पर तभी उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज आई। ये कैसी आवाज है? उन्होंने आसपास देखा तो एक जगह भीड़ इकट्ठा थी। वो देखिए महाराज, ये आवाज उस भीड़ की ओर से आ रही है, चलिए। भीड़ को हटाकर जब वे वहाँ पहुँचे तब उन्होंने देखा कि वहाँ काफी ठेले एक साथ लगे हुए हैं और किसी एक ठेले के सामने एक दुबला पतला सा लड़का फूट फूट कर रो रहा है। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? महाराज, मैं यहाँ गर्मा गर्म समोसे बेचता हूँ। आज भीड़ ज्यादा होने के कारण मेरे समोसे तुरंत बिक गए और अच्छी कमाई भी हुई थी, जो मैंने हमेशा की तरह इस पत्थर के नीचे रखी थी। परंतु जल्दबाजी में जब मैं और तेल लाने बगल की दुकान पर गया तो आकर देखा कि मेरी अब तक की कमाई कोई चुरा ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं अपने बीमार माँ बाप को आज खाना कैसे खिला पाऊंगा महाराज? तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी कमाई चोरी हुई है? हो सकता है तेल लाते वक्त तुमने कहीं गिरा दिए हो। मैं सच कह रहा हूँ बीरबल जी, मैं सारे सिक्के इसी पत्थर के नीचे दबा कर रखता हूँ और घर जाते वक्त ही यहाँ से निकाल के लेके जाता हूँ। उस तेल से लतपत पत्थर को देख वहाँ खड़ी भीड़ में से एक कपड़े वाला खटास लेते हुए बोला, तो क्या सिक्के पत्थर खा गया? ये सुन वहाँ खड़ी भीड़ जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देख बादशाह क्रोधित हो गए। खामोश, यहाँ एक बालक दुविधा में है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। परंतु उस पत्थर को देख बीरबल के दिमाग में एक संशय आया और वो बोले, मुझे लगता है ये कपड़े वाला सही कह रहा है, इस पत्थर ने ही चोरी की है। ये सुन तो वहाँ खड़े लोग एकदम अचंभित हो अपना सर खुजाने लगे। बादशाह को भी समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल ने ऐसी बात क्यों कही। ये क्या कह रहे हो बीरबल, भला एक पत्थर कैसे चोर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है महाराज, आप बस इस पत्थर को महल ले जाने की इजाज़त दे दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि यही चोर है। वो जरा अब क्या कहूँ मैं, ठीक है इजाजत है। फिर क्या, बीरबल ने वहाँ खड़े सैनिकों को पत्थर को महल ले जाने का इशारा किया और उस लड़के और आसपास के कुछ दुकानदारों को गवाह के तौर पर आने का न्योता दिया। महल पहुँचते ही उस पत्थर को दरबार के बीच बेड़ियों से बांध कर रखा गया और बीरबल उस पे इल्जाम लगाते हुए बोले, तो कहो पत्थर महाशय, इस लड़के के सिक्के कैसे चुराए तुमने? बताओ वरना ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी। अब पत्थर क्या कह सकता है, ये शांत था। तब बीरबल ने गुस्से में कहा, सैनिको, ये अपराधी अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए इसे तब तक कोड़े मारे जाए जब तक वह जुर्म कबूल न कर ले। ये सुन वहाँ खड़े सभी गवाहों को लगा कि बीरबल अपना होश खो बैठा है और वे लोग जोर जोर से हंसने लगे। ये देख बीरबल उन पर भी बरस पड़े। बड़ी हंसी आ रही है तुम सबको, क्या तुम जानते नहीं कार्रवाई के वक्त हंसना भी एक जुर्म माना जाता है? अब तुम सभी दोषियों को काल कोठरी में डाला जाएगा। ये सुन लोग बहुत भयभीत हो गए और रहम की गुहार लगाने लगे। ठीक है, मैं तुम्हारी सजा को रद्द कर देता हूँ, परंतु इसके बदले तुम सबको 20 सिक्के जुर्माने के तौर पर देने होंगे, कहो मंजूर है? अब काल कोठरी में जाने के बजाय लोगों को जुर्माना भरना ठीक लगा और वे तुरंत उससे मान गए। हाँ, हाँ, हम तैयार हैं। फिर बीरबल ने एक सेवक को पानी से भरा एक पतीला लाने को कहा, जिसे वो तुरंत ले आया और खिड़की के पास रख दिया। और फिर बीरबल वहाँ खड़े दोषियों से बोले, अब तुम सब एक एक कर अपना जुर्माना इस पतेले में डाल के यहाँ से निकल जाओ। फिर क्या था, वो लोग आदेश अनुसार पतेले में सिक्का डाल वहाँ से निकलने लगे। पर जब कपड़े वाले ने अपने सिक्के उस पानी में डाले, बीरबल ने देखा कि उन सिक्कों से तेल छूटकर सतह पर जमा होने लगा
और सूरज की किरणों के नीचे पानी चमक उठा, जिसे देख बीरबल तुरंत बोले, मिल गया चोर। ये सुन वहाँ खड़े सभी चौंक गए और अकबर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? किसी सज्जन पर इस तरह इल्जाम लगाना ठीक नहीं, उनकी समाज में इज्जत आबरू जा सकती है। मैं जानता हूँ महाराज, अगर मैं उस भीड़ बाजार में किसी पर बिना सबूत के इल्जाम लगाता तो वो सही नहीं होता, इसलिए मैंने उस पत्थर का नाटक रचा था और जिन पर मुझे शक था उन्हें यहाँ गवाह बनाकर ले आया। हाँ, पर इससे मैं चोर हूँ वो थोड़ी साबित होता है, ये तो अन्याय है ना। इस पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, लगता है तुमने इस पतेले के सतह पर जमा तेल पर गौर नहीं किया। अब तुम ठहरे कपड़े वाले, तो फिर तुम्हारे सिक्कों पर तेल कहाँ से आया भला? वो दरअसल मैं बताऊँ कहाँ से आया? अब इस समोसा वाले का काम तेल में समोसा तलना है, जिसके कारण उसके हाथों में और आसपास की चीजों पर तेल अक्सर लगा रहता है। जब कोई उसे सिक्के देता है तो उन पर भी वो तेल लग जाता है, जिसे फिर वो इस तेल से लिपटे पत्थर के नीचे रख देता है। तो बस तुमने वही तेल वाले सिक्के वहाँ से चुरा लिए। अब अपना गुनाह मान लो, वरना सैनिकों से कहकर तुम्हारा तेल निकलवाता हूँ। ये सुन कपड़े वाले के पैर डर से कांपने लगे और वो माफी मांगने लगा, परंतु बादशाह ने उसकी एक न सुनी और उसे काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। उस बेचारे बालक को भी उसके सिक्के कुछ और इनाम के साथ लौटा दिए, जिससे वो खुश हो बोला, धन्यवाद महाराज और खासकर बीरबल आपका, आज तो आपने तेल का तेल और पानी का पानी कर दिया। ये सुन सब हंस पड़े और हमने ये सीखा, सच आखिर सतह पर आ ही जाता है। स्वर्ग के दर्शन। एक दिन दरबार में बीरबल अच्छे कर्मों पर आधारित एक कहानी सुना रहे थे। तो इसका परिणाम ये निकला कि उस साधु को स्वर्ग में जगह मिल गई और उसकी आत्मा को मुक्ति। इस पर सोच विचार कर बादशाह अकबर बोले, कहानी तो बढ़िया है बीरबल, परंतु क्या सच में स्वर्ग जैसी कोई चीज होती है? जी हुजूर, स्वर्ग का अस्तित्व होता है। अगर तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो तो क्यों ना तुम हमें भी वहाँ ले चलो, हम भी तो देखें स्वर्ग कैसा होता है। पर बादशाह वो। ये सुन शातिर मंत्री तुरंत उठकर बोले, देखा बादशाह, अब इस बीरबल की बोलती बंद हो गई, इसकी कहानियाँ भी इसकी तरह झूठी है। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में स्वर्ग होता है। तो ठीक है, हम तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत देते हैं, या तो तुम हमें स्वर्ग के दर्शन कराओ या फिर झूठे कर्मों की सजा के तौर पर तुम्हें महल से निकाल दिया जाएगा। ये सुन बीरबल चिंतित हो गए और शातिर मंत्री तो खुशी से फूला नहीं समा पाया। शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए बीरबल को यहाँ से बेइज्जत होते हुए निकलता देख पाऊंगा। उस रात पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था और बीरबल अपने आंगन में खटिया पर लेटे हुए आसमान की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह और अन्य लोगों को स्वर्ग कैसे दिखाए, वहाँ जाने का रास्ता तो उन्हें भी नहीं पता था। उसी वक्त उनकी पत्नी वहाँ आ गई। अजी सुनते हो, खाना तैयार है, चलिए, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा, फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि बादशाह को स्वर्ग के दर्शन कैसे करवाएं। ये सुन बीरबल की पत्नी जोर से हंस पड़ी और बोली, ये कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? जीते जी कोई स्वर्ग देख सकता है क्या भला? यही तो चुनौती है, अगर मैंने ये कार्य पूरा नहीं किया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या, नौकरी से निकाल दिया जाएगा? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? पता नहीं मैंने जिंदगी में क्या पाप किए हैं जो मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। ये सुन परेशान बीरबल के दिमाग में युक्ति आई और वे खुश होकर बोले, वाह भाग्यवान, क्या खूब बात कही तुमने, स्वर्ग जाने का रास्ता मिल गया। ये कहकर
बीरबल वहाँ से दौड़ पड़े, जिसे देख उनकी पत्नी बोली, बड़े अजीब व्यक्ति है ये। बीरबल उसी वक्त दरबार में दौड़ते हुए आए और जोर से चिल्लाए, महाराज चलिए। जिसे सुन बादशाह अकबर, जो गहरी नींद में थे, तुरंत उठ पड़े। कौन है, कहाँ है, क्यों है? बीरबल, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर मुझे स्वर्ग के दर्शन का रास्ता मिल गया है, और क्योंकि आज पूर्णिमा की पावन रात है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे आज ही देख ले। भला वो क्यों? क्योंकि अगली पूर्णिमा एक महीने के बाद होगी, जो आपके दिए एक हफ्ते के समय से बहुत अधिक है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अभी के अभी चले और स्वर्ग के दर्शन कर ले। बादशाह ने इस पर सोच विचार किया और बोले, ठीक है, हम अभी सिपाहियों से संदेश भिजवा कर बाकी मंत्रिमंडलों को भी बुलवा लेते हैं। फिर क्या, कुछ देर बाद सारे लोग महल की छत पर पूर्णिमा के चमकते चांद की रोशनी के नीचे इकट्ठे हुए, परंतु कुछ ना दिखने के कारण अकबर क्रोधित हो बोले, ये क्या मजाक है बीरबल, मुझे तो कहीं स्वर्ग दिखाई नहीं दे रहा है। तभी सभी मंत्री भी गुस्से में तिलमिला उठे, हाँ, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है स्वर्ग? अरे रुको जरा, सब्र करो, दिखाता हूँ। फिर उन्होंने चांद की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वो चांद दिख रहा है आपको? उसके पास ही देखिए। नहीं नहीं, दाई तरफ नहीं, बाई तरफ देखो। वो देखो स्वर्ग कितना सुंदर दिख रहा है। वो रहे राजा इंद्र, उनका सिंहासन कितना सुंदर, और वो रहा मशहूर कल्प वृक्ष, और वो रही अप्सराए, मेनका, उर्वशी, रंभा, आज तो तीनों अप्सराए एक साथ आई है। सभी लोगों ने ऊपर देखा तो अपना सिर खुजाते हुए रह गए, क्योंकि उन्हें तो वहाँ कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इस पर शातिर मंत्री बोले, बस मजाक बहुत हुआ बीरबल, सुना था पूर्णिमा की रात लोग पगला जाते हैं, आज देख भी लिया। महाराज, हम सबका वक्त जाया करने के जुर्म में इस बीरबल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक हफ्ते की जगह आप इसे इसी वक्त नौकरी से निकाल दीजिए। हाँ हाँ, निकाल दो, निकाल दो। ये सुन बीरबल बोले, क्या कह रहे हो आप सब, मुझे तो स्वर्ग साफ साफ दिख रहा है, ठीक वैसे जैसे भागवत पुराण में लिखा है। क्या लिखा है इसमें? उसमें लिखा है कि स्वर्ग के दर्शन उसे ही हो सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप ना किया हो। अगर आप लोगों को स्वर्ग नहीं दिख रहा तो ये बड़े शर्म की बात है, इसका दोष आपके बुरे कर्म को जाता है, मुझे नहीं। ये सुन तो सभी ने अपना रंग गिरगिट की तरह बदल दिया और वो भी स्वर्ग दिखाने का दावा करने लगे। अरे हाँ, वो देखो इंद्र का सफेद हाथी कितना सुंदर है, और वो कल्प वृक्ष कितना घना है। ओ हाँ, सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ये सुन बादशाह अकबर मुस्कुराए और बीरबल से धीरे से बोले, वाह बीरबल, आज तो तुमने पापियों को भी स्वर्ग के दर्शन करवा दिए। ये सुन वे दोनों हंस पड़े और हमने ये सीखा कि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा ही होता है। शातिर व्यापारी। राज्य में रेशम सिंह नाम का रेशम के कपड़ों का व्यापारी रहता था। उनका समाज में बेहद मान सम्मान था, जो अन्य व्यापारी को ईर्ष्या से भर देता था। एक बार रेशम सिंह को पड़ोस राज्य से बहुत बड़ा व्यापार का आदेश आया, जिसे देख वो खुशी से फूला न समा पाया। अरे वाह, इतना सारा रेशम चाहिए उन्हें, इससे तो हमारा व्यापार और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। तभी वहां खड़े उनके मुनीम ने हिसाब किताब बताते हुए कहा, माफ करना सेठ जी, पर हम इस वक्त इतना बड़ा आदेश पूरा नहीं कर सकते। वो क्यों भला? दरअसल हमारा कुछ भुगतान अभी तक आना बाकी है, तो इस वक्त हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने इस आदेश को पूरा करने के लिए चाहिए। कितने पैसे लगेंगे? मेरी गिनती के अनुसार इसे पूरा करने के लिए हमें 8 लाख रुपयों की जरूरत होगी, पर हमारे पास इस वक्त केवल 5 लाख हैं।
इस पर व्यापारी ने विचार किया और बोले, एक उपाय है, क्यों ना मैं बची हुई रकम किसी से उधार ले लूं, और वैसे भी एक हफ्ते में हमें रुके हुए पैसे मिल जाएंगे, तो हम उधार जल्द से जल्द चुका भी सकते हैं। बहुत बढ़िया उपाय सोचा है सेठ जी। फिर क्या, रेशम सिंह पैसे उधार लेने एक और व्यापारी मोहन प्यारे के पास गए, जो बेहद शातिर व्यापारी था। इसकी जानकारी रेशम सिंह को तो थी, पर उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। सुनो मोहन प्यारे, क्या तुम मुझे 3 लाख रुपए तुरंत दे सकते हो? मैं तुम्हें अगले हफ्ते ब्याज के साथ लौटा दूंगा। ये सुन मोहन मन ही मन मुस्कुराया। आखिरकार उसे ऐसे ही अवसर की तलाश थी, क्योंकि वो रेशम सिंह से बेहद जलता था और उसे बर्बाद करके राज्य का सबसे अमीर व्यापारी बनना चाहता था। मौका देख मोहन तुरंत बोला, मैं आपको निश्चित रूप से पैसा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर आपने एक हफ्ते के अंदर खुद आकर पैसे वापस नहीं किए, तो मैं आपके शरीर से एक मांस का टुकड़ा काट कर ले लूंगा। ये बात सुनकर रेशम सिंह आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा शायद मोहन मजाक कर रहा है, परंतु वो एक हफ्ते के अंदर राशि वापस देने की स्थिति में थे, तो उन्होंने इस पर कोई बहस ना करते हुए हंसते हंसते शर्त स्वीकार ली। परंतु वो नहीं जानते थे ये कोई मजाक नहीं, बल्कि मोहन की सोची समझी साजिश थी। एक हफ्ता बीत गया, पर किसी अति आवश्यक व्यवसायिक कारणों के कारण रेशम सिंह को राज्य के बाहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने मुनीम से पैसे ले जाने को कहा। ये लीजिए मोहन प्यारे, आपका उधार सूद समेत वापस। लेकिन मोहन ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं नहीं, व्यवहार के अनुसार रेशम सिंह को ये पैसे चुकाने खुद आना चाहिए था। अब जब वे खुद नहीं आए, तो शर्त के अनुसार उन्हें अपने शरीर से एक मांस का टुकड़ा देना होगा। अब जाओ। ये सुन तो मुनीम बेहद चौंक गए और चुपचाप वहाँ से लौट गए। और जब रेशम सिंह लौटे, तो मुनीम ने सारी जानकारी उन्हें दी, जिसे सुन तो जैसे उनके पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैं जानता था मोहन शातिर है, परंतु वो इतना गिर जाएगा कभी सोचा न था। अब तो उसे मैं बादशाह के दरबार में ही मिलूंगा। रेशम सिंह ने दरबार पहुंचकर सारी बात बादशाह अकबर और बीरबल को बताई। ये तो बहुत पेचीदा मामला है, मोहन प्यारे को पेश किया जाए, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। माफ कीजिए जहाँपना, केवल सजा देना काफी नहीं होगा, हमें मोहन के मन की ईर्ष्या भी खत्म करनी होगी। वो कैसे? आगे आगे देखिए होता है क्या। अगले दिन बीरबल ने मोहन को दरबार बुलाया, तब मोहन ने कहा, क्योंकि रेशम सिंह पैसे लौटाने खुद नहीं आए, तो वो शर्त हार गए हैं। अब मुझे पैसे नहीं, उनके मांस का एक टुकड़ा चाहिए। उसके क्रूर इरादे देखकर बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम रेशम सिंह के शरीर से एक टुकड़ा मांस निकाल सकते हो। ये सुन तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और मोहन के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने एक चाकू निकाला और रेशम सिंह के और कदम बढ़ाने लगा। लेकिन ध्यान रहे, एक भी रक्त बूंद का ना बह पाए, क्योंकि बात सिर्फ मांस की हुई है, रक्त की नहीं। अगर रक्त बहता है तो तुम्हें इस जुर्म में आजीवन काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। तो कहो, शर्त मंजूर है? ये सुन तो मोहन समझ गया कि ये तो मुमकिन नहीं है। उसने तुरंत चाकू फेंक दिया और घबरा कर बोला, नहीं नहीं, बस मेरी राशि वापस दे दो। बिल्कुल नहीं, आपको कानून का पालन करना होगा, वरना आपको सख्त सजा मिलेगी। नहीं, अब तो मैं अपने पैसे वापस भी नहीं चाहता, बस मुझे माफ कर दो, आइंदा जलन के कारण ऐसी बेवकूफी नहीं करूँगा। पैसे तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलेंगे, पर गलती की सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। फिर क्या,
इस घटिया साजिश के लिए मोहन को काल कोठरी में डाल दिया और हमने ये सीखा कि गलत इरादों का नतीजा गलत ही निकलता है। खतरनाक लुटेरे। आसपास के राज्यों में खतरनाक लुटेरों की टोली ने आतंक मचाया हुआ था। वो जहाँ भी जाते सब कुछ सफाचन कराते। आए हैं तो सब कुछ लूट कर जाएंगे। उड़ते उड़ते ये खबर अकबर बादशाह के दरबार में भी आ पहुँची, इसलिए उन्होंने तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। राज्य के हर कोने में सैनिक तैनात किए जाए और किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना कड़ी पूछताछ के अंदर आने न दिया जाए। परंतु किसी तरह ये बात लुटेरों की टोली तक पहुंच ही गई, जिसे सुन उनका सरदार बोला, तो ये बात है, बादशाह अकबर ने चुनौती बढ़ा दी है। अब तो हम किसी भी हाल में सिर्फ अकबर के राज्य को ही नहीं बल्कि उनके महल को भी लूट कर बताएंगे। अगले दिन वो लुटेरे भेष बदल कर राज्य के प्रवेश द्वार आ पहुँचे। आदेश के अनुसार उन्हें सैनिकों ने पूछताछ के लिए रोक लिया। रुको, कौन हो तुम सब और कहाँ जाना है? उनका सरदार अपनी आवाज बदल कर बोला, खम्मा घणी, मारो नाम रंग रंगीला से मालिक। हम लोग संगीतकार यहाँ बादशाह अकबर के लिए अपने कला का प्रदर्शन करने आए हैं। सैनिक ने इस पर विचार किया। वो जानता था कि बादशाह अकबर कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं, परंतु लुटेरों के डर से वो किसी पर इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सचमुच के गवैये हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी एक गाना गाकर आपका शक दूर कर देते हैं। फिर क्या, ये कहकर उन सब ने गाना बजाना शुरू कर दिया। रंगीलो मारो, रंगीलो मारो, रंगीलो मारो ढोलना ढोलना रे। सैनिक उनका गाना सुनकर इतना खुश होते हैं कि वो उन्हें राजा अकबर के दरबार में जाने की अनुमति दे देते हैं। महल पहुंचते ही लुटेरों की आंखें चमक उठती है। हीरों से सजे झूमर, चांदी की मूर्तियाँ और राजा अकबर के सोने से भरे सिंहासन को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ये महल तो किसी सपने सा लग रहा है, अब आए हैं तो सब कुछ लूट कर जाएंगे। आपकी तारीफ। ये सुन सरदार ने अपना परिचय दिया और बिना समय व्यक्त किए टोली ने सीधा गाना गाने शुरू कर दिया। रंगीलो मारो, रंगीलो मारो, रंगीलो मारो ढोलना ढोलना रे। उनका संगीत सुन बादशाह अकबर और दरबारी मंत्रमुग्ध हो झूमने लगे, परंतु वहाँ बैठे बीरबल को कुछ गड़बड़ लगी। इनकी वेशभूषा तो राजस्थानी है, पर बोली उतनी साफ नहीं। क्या ये सचमुच वही है जो ये कह रहे हैं? नजर रखनी होगी। गाना खत्म होते ही अकबर खुश हो बोले, वाह कलाकारों वाह, आपके संगीत ने तो हमारा मन जीत लिया है। कृपया हमें आपकी मेहमान नवाजी का मौका दे। सेवकों, इनके लिए सही भोग का प्रबंध किया जाए। फिर क्या, पूरी टोली को शाही पकवान चांदी के बर्तनों में परोसे गए, जिसे देख उनके मुंह से पानी छूट गया और वो किसी जानवर की तरह खाने पर टूट पड़े। ये देख बादशाह को तो हंसी आ गई, परंतु वहाँ बैठे बीरबल को उनका स्वभाव थोड़ा अजीब लगा। ये तो ऐसे खा रहे हैं जैसे कभी शाही भोजन ना किया हो, जबकि ऐसे कलाकार किसी ना किसी दरबार में कला प्रदर्शन करते रहते हैं। और तभी एक सदस्य ने चुपके से चांदी का चम्मच अपनी जेब में डाल दिया, जिसे बीरबल ने देख लिया। ओह, जरूर दाल में कुछ काला है, इनका भांडा तो फोड़ना पड़ेगा। कुछ देर बाद बीरबल महल के आंगन पर इस पर विचार करने लगे कि कैसे इस टोली की नियत का पता लगाया जाए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी
उनकी नजर दीवारों पे रंग लगाते एक सेवक पर पड़ी, जिसे देख उनके दिमाग की बत्ती जल गई। अब पता चलेगा कि ये गवैये क्या राग रचाने वाले हैं। ओ रंगीलो मारो। उस रात जब सारे सैनिक गहरी नींद में सो गए, लुटेरों की टोली खजाने की खोज में महल की तलाशी लेने लगी। आखिरकार उन्हें तहखाना मिल ही गया। रंगीला मारो ढोलना 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 रे, लगता है खजाना इसमें है। चलो अब आए हैं तो सब कुछ लूट कर ही जाएंगे। परंतु जैसे ही सरदार ने दरवाजा खोला, ऊपर रखे रंग से भरी बाल्टी पलटी और सारा रंग उस पर गिर गया। ये देख उसके साथी वहाँ से भागने लगे, जिन्हें सैनिकों ने तुरंत आकर पकड़ लिया। और तभी वहाँ अकबर और बीरबल आ पहुँचे और बोले, क्यों सरदार लुटेरे, कैसी लगी मेरी ये जाल की चाल? हमने तुम्हें रंगे हाथों ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा रंगा हुआ ही पकड़ लिया है। अब करते रहना काल कोठरी में रंगीलो मारो ढोलना। ये सुन वहाँ खड़े बादशाह और सैनिक हंसने लगे। और हमने ये सीखा कि झूठ चाहे कितने भी रूप बदले, सच का चेहरा सामने आ ही जाता है। असली चेहरा। एक बार राज्य में शाहू नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। वो गरीबों को बेहद अधिक ब्याज पर पैसे देता और उन्हें उस चक्रव्यूह में ऐसे फंसाता कि वे उसका उधार अपना घर दार बेचकर भी नहीं चुका पाते थे। कुछ यही सोच के साथ एक दिन उसने एक मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने को कहा। देखो, अगर तुम मेरी हूबहू मूर्ति बनाओगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। सेठ जी, आपको तो मैं शैतान समझता था, पर आप तो भगवान समान निकले। परंतु वो गरीब ये नहीं जानता था कि इसके पीछे शातिर साहूकार की एक चाल है, क्योंकि साहूकार उसे एक नहीं कई मूर्तियां बनवाना चाहता था, जिसका दाम उसके दिए कर्ज से कई गुना ज्यादा था। और तो और, शातिर साहूकार के पास एक अद्भुत कला थी। वो अपने चेहरे के भाव जब चाहे बदल सकता था, जिसका इस्तेमाल वो गरीब मूर्तिकार को बेवकूफ बनाने में करने वाला था। कुछ दिनों बाद मूर्तिकार ने साहूकार को अपने कारखाने में मूर्ति देखने बुलाया। किसी और को तो वो मूर्ति हूबहू लगती, पर साहूकार ने ये योजना के तहत इसे साफ इनकार कर दिया। ये क्या बना दिए हो? कहाँ से इसकी अजीब शक्ल तुम्हें मेरे जैसी लगती है? ये सुन तो मूर्तिकार चौंक गया। उसने मूर्ति को देखा और फिर साहूकार को देखा, तो उसे भी दोनों की शक्ल अलग लगी। पर वो गरीब बेचारा ये नहीं जानता था कि साहूकार ने अपने चेहरे के भाव बदल दिए हैं। माफ कीजिएगा सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं एक नई मूर्ति हूबहू बना दूंगा। ठीक है, पर तुम्हारी इस मेहनत की भी मैं कदर करता हूँ, इसलिए इस मूर्ति को भी तुम मेरे यहाँ पहुँचा दो, ताकि इसका काम व्यर्थ ना जाए। परंतु मैं इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, बस तुम्हारी कला की इज्जत रख रहा हूँ। ये सुन तो मूर्तिकार की आंखें नम हो गई। आप तो सचमुच भगवान ही है सेठ जी। साहूकार मन ही मन मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। फिर क्या, कुछ दिनों बाद साहूकार फिर आया और नई मूर्ति को देख अपने चेहरे के भाव बदलते हुए उसने वही बात दोहराई। ये भी मेरे जैसी नहीं है, फेंकने से अच्छा मेरे घर भिजवा दो। मूर्तिकार ने सिर झुकाकर इस बात को भी स्वीकार लिया और नई मूर्ति बनाने में लग गया। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। शातिर साहूकार आता, मूर्ति में कमियां निकालता और लौट जाता। आखिरकार पांचवी मूर्ति बनाने के बाद मूर्तिकार ने अपना संयम खो दिया और वो बोला, सेठ जी बस, मुझे तो अब इसमें आपकी कोई चाल नजर आ रही है। आप जानबूझकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? अरे वाह, तुम्हारी कला में
तुम्हें कमी नजर नहीं आती? एक बार फिर देख लो, इस मूर्ति की शक्ल कहां से मेरी तरह लग रही है। मैं वो सब नहीं जानता, आप बस मेरा कर्ज माफ कर दो। वैसे भी इन पांचों मूर्तियों की कीमत कहीं ज्यादा हो चुकी है। ऐसे कैसे माफ कर दूं? उल्टा तुमने अब तक एक टका भी ब्याज नहीं चुकाया है और तुम्हें दी गई सीमा भी खत्म हो चुकी है। बस अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है, या तो मेरी हूबहू शक्ल वाली मूर्ति बनाओ या फिर चुपचाप ये कारखाना मेरे नाम कर दो। ये सुन तो गरीब मूर्तिकार बेहद परेशान हो गया। ये कारखाना ही उसकी एकमात्र रोजी रोटी का जरिया है, उसके बिना वो अपने परिवार का पेट कैसे पालता। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, या तो मूर्ति बनाओ या फिर कारखाना मेरे नाम कर दो। ये कहकर शातिर साहूकार वहाँ से चला गया और मूर्तिकार ने अपने आप से कहा, लगता है मुझे अब दरबार जाना ही होगा। महल पहुँचते ही मूर्तिकार ने सारी घटना बीरबल को विस्तार से बताई, जिसे सुन बीरबल बोले, ये तो बड़ी अलग किस्म की समस्या है, अब इसका उपाय भी कुछ अलग ही होना चाहिए। अब आप ही बताएं बीरबल, मैं क्या ही अलग करूं? मेरे परिवार का भविष्य अब आपके हाथों में है। देखो, जैसे कि तुमने बताया, हर वक्त साहूकार के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे साहूकार चाहे कितने भी चेहरे बदल दे, उस मूर्ति ने उसी वक्त अपना चेहरा भी बदल देना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? भला मूर्ति अपना चेहरा कैसे बदल सकती है? ये बिल्कुल मुमकिन है, अब तुम वही करो जो मैं कहूँगा। फिर क्या, बीरबल ने सारी योजना मूर्तिकार को बता दी, जिसे सुन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बीरबल का आदर से धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद शातिर साहूकार फिर कारखाने में आया। वो जानता था कि इस बार तो ये जमीन उसकी हो जाएगी। क्यों, बन गई हूबहू शक्ल वाली मूर्ति? जी सेठ जी, इस बार तो हूबहू बनी है, आप खुद ही देख लो। साहूकार अकड़ कर मूर्ति के पास गया और मूर्ति देख कर तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि मूर्ति के चेहरे पर एक आईना लगा हुआ था जो साहूकार के चेहरे के भाव हूबहू दर्शा रहा था। और उसी वक्त बीरबल भी कुछ सिपाहियों के साथ आ पहुँचे। क्यों साहूकार जी, अभी आपकी शक्ल इससे मिल रही है या नहीं? या फिर सिपाहियों से कहकर दोनों को बिगाड़ दूं? सिपाहियों, लोगों को ठगने के जुर्म में साहूकार को गिरफ्तार कर लो। नहीं नहीं बीरबल, काल कोठरी चला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं, तुम अपना चेहरा बदल लेना, वैसे भी तुम उस कला में माहिर हो ना। ये सुन साहूकार का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया और उसने अपने किए की माफी तो मांगी ही और हर किसी का कर्ज माफ करने का वादा भी किया। इस पश्चाताप को देख बीरबल ने साहूकार को एक और मौका देने का निर्णय लिया और हमने ये सीखा कि हमें लोगों का सही चेहरा पहचानने आना चाहिए, वरना वो हमारा फायदा उठा सकते हैं।